मैं आप सबको एक डेफिनेशन बता देता हूँ। देखिए, जो चीजें हैं ना उसके अंदर दो टाइप की चीजें होती हैं। एक चीज होती है समन और एक चीज होती है मुसमन। समन का मतलब है प्राइस। प्राइस का मतलब है जिस चीज से पेमेंट होता है, जिस चीज से पेमेंट होता है। मुसमन यानी जो चीज की कीमत लगाई गई। एक चीज है कीमत और एक चीज है जिस चीज की कीमत लगाई गई। जैसे आज कीमत में क्या है, रुपीज है, डॉलर है ना, रुपीज डॉलर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में हम देखते हैं कि सोना चांदी करेंसी होती थी सोने की। जो दीनार है वो दीनार सोने का होता था, चांदी का दिरहम होता था। लेकिन अगर मान लो कि कोई मिसाल के तौर पे किसी ने पेंसिल खरीदा, अब दीनार तो चांदी का है, हाँ जो चांदी का दीनार है उसकी वैल्यू ज्यादा है, वो पेंसिल की वैल्यू बहुत कम है। मिसाल दे रहा हूँ, पेंसिल उस जमाने में थी नहीं, जो भी चीज थी। अब क्या है, हम देखते हैं कि दूसरी भी चीजें थी जो समन थी, प्राइस। अब एक हदीस सुनिए, इस हदीस को जो बुखारी के अंदर है और जिसके अंदर आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उबादा बिन सामित रदियल्लाहु अन्हु बताते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अज़्ज़हबु बिज़्ज़हबी वल्फिद्दतु बिल्फिद्दती वल्बुर्रु बिल्बुर्री वश्शईरु बिश्शईरी वल्मिल्हु बिल्मिल्ही वत्तम्रु बित्तम्री मसलन बिमसलिन सवाइन बिसवाइन यदन बियदिन। बुखारी की हदीस है किताबुल बुयू की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, सोने के बदले में सोना, चांदी के बदले में चांदी, गुंदुम यानी गेहूं, गेहूं के बदले में गेहूं, जौ के बदले में जौ, खजूर के बदले में खजूर, नमक के बदले में नमक। छह चीजें, छह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गिनाई। कहा ये छह चीजों की डीलिंग करो तो क्या करना, मसलम भी मसलिन जैसा था वैसे उसके बदले में वैसा, सवान भी सवाइन बराबर के बदले में बराबर, यदन भी यदिन हाथों हाथ। ये क्या है, हाथों हाथ वाली बात बाद में देखेंगे, वो डिले में आने वाला है, बाकी बातें अभी देख सकते हैं। क्या मतलब कि भाई अगर आपने सोना दिया इनको, ये लो एक तोला सोना लो, अब लौटाएंगे तो कितना लौटाएंगे, एक तोला लौटाएंगे, बढ़ा के लौटाए तो ये इतनी चांदी लो, एक तोला चांदी दिए, दस तोला चांदी दिए, लौटाएंगे तो कितना लौटाएंगे, मसलन भी मसलिन। अच्छा अगर मान लो कि कोई सोने के अंदर कहे कि देखो एक तोला तुमने मुझे दिए, कितने कैरेट प्योरिटी है, 24, ये करो ये तुमने 20 कैरेट की दिए, तुमने मुझे एक तोला दिए 20 कैरेट प्योरिटी का, मैं तुम्हें एक तोला दूंगा 24 कैरेट प्योरिटी, बराबर सही है कि नहीं है, क्यों सही नहीं है, एक के बदले में एक दे रहे हैं ना तोला, आपने कहा एक के बदले में एक देना है, एक के बदले में एक, सही है गलत है, सही है गलत है, एक तोला उन्होंने दिए यहां पे 20 कैरेट, और जाबिर भाई ने अब्दुल्ला भाई को एक तोला सोना दिए 20 कैरेट, वो लौटा रहे हैं एक तोला सोना 24 कैरेट, एक के बदले में एक है ना, क्वालिटी बदल गई। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में कोई लूप होल नहीं मिलता है। देखिए क्या होता है ना, लोग जो कंट्री में रहते हैं अब बोलते हैं इनकम टैक्स लॉज में कुछ ना कुछ लूप होल मिल जाए ताकि मेरा टैक्स बच जाए, तो वो लोग इस्लामिक लॉज में भी कहीं ना कहीं लूप होल ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ कोई लूप होल है ही नहीं, क्योंकि हदीस क्या है, सवाम भी सवाइन बराबर के बराबर बराबर, मसलम भी मसलिन जैसा है उसके बदले में वैसा। मतलब कोई लूप होल नहीं छोड़ा गया कि 20 के बदले में 20 दो। अच्छा पुराना सोना किसी ने दिया और नया सोना लिया, हाँ तो क्या हो गया, कोई भी चीज करके बेनिफिट नहीं आना चाहिए समन में। इसी वजह से हम देख रहे हैं कि खजूर के बदले में खजूर, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, बाकी की जो चार चीजें हैं, खजूर के बदले में खजूर, नमक के बदले में नमक, जौ के बदले में जौ, गेहूं के बदले में गेहूं। अब जैसे मिसाल के तौर पर कोई आया है ये खरीदना चाहता है, अब दिरहम की जो वैल्यू है, दिरहम उससे तो बहुत कम वैल्यू है, उसके अंदर 100 कप आ जाएंगे सपोज, तो अभी क्या करेंगे, अब इसे पेमेंट देंगे तो कैसे देंगे, अब पेमेंट देंगे तो ये लो इतने इतना खजूर ले लो, ये लेके जा रहा हूं, वो खजूर गेहूं नमक और जौ वो रुपी और डॉलर जैसा बिहेव करते थे उस जमाने में। ये क्या है, ये वो चीजें हैं जो समन में आ रहे हैं। तो अब ये क्या है, वो दे रहा है तो क्या दे रहा है, गेहूं दे रहा है, ये गेहूं लो, क्योंकि गेहूं की वैल्यू है, गेहूं को भी इंटरचेंज कर सकते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सब चीजों को गिनाया, कहा गेहूं के बदले में गेहूं, नमक के बदले में उतना नमक, हाँ जौ के बदले में जौ, खजूर के बदले में खजूर।
फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा फयदिक तलफ हादिहि अलअसनाफ बी उकैफशीतुम वइन काना यदन बियदिन, जब ये चीजें इंटरचेंज हो जाए तो फिर जैसे चाहते हो तिजारत करो, यदन बियदिन हम थोड़ी देर बाद देखेंगे, जैसे चाहते हो तिजारत करो। मतलब मिसाल के तौर पर कोई अगर सोने के बदले में चांदी दे रहा है, तो यहां पर अगर मान लीजिए जैसे कि एक तोला सोने के बदले में आधा किलो चांदी देना है, तो यहां पे सेम का सेम होगा, एक तोला सोने के बदले में एक तोला चांदी, यहां पे ऑब्वियसली सेम नहीं होगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा फइज़ तलफ़ हाज़िहिल असनाफ फबी उकैफ़ शीतुम, जब ये चीजों में अगर इंटरचेंज हो तो जैसा चाहते हो तिजारत करो, वइन काना यदन बियदिन, तब तक जब तक हाथों हाथ हो। हाथों हाथ का क्या मामला है, हम आते हैं। तो आप ये रिबा ऑफ इंक्रीज, जो बढ़ने वाला सूद है, ये हम देख सकते हैं बहुत क्लियरली इस हदीस से।